हेलो नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है उपाध्याय जनरल क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर बात करने वाले हम लोग आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 24 तक। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे हमने आर्टिकल 18 तक कंप्लीट किया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आर्टिकल 19 शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 को कहा जाता है बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है ये आपको पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें जितनी ज़्यादा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो भी इस भारत में रह रहा है, जो भी इस देश के अंदर, उसको इतनी ज़्यादा आज़ादी मिलती है, इस मीडिया को इतनी ज़्यादा आज़ादी जो मिलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस आर्टिकल के ही बदौलत। वरना आप किसी और देश को देखिए, क्योंकि वहाँ पर हर एक व्यक्ति को इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी इस देश को है। सिर्फ चाइना ही नहीं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन हम देखने वाले अपने कॉन्स्टिट्यूशन की महानता। और चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 के अंदर सिर्फ ऐसा है नहीं कि अभी तक जैसे आपने आर्टिकल 14 देखा, 15 देखा, 16 देखा, 17 देखा, उससे पहले जितने भी देखे वो सिर्फ इकलौते एक एक आर्टिकल रहते थे। लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर कुछ सब डिविजन्स हैं। कैसे सब डिविजन्स हैं? हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। हालाँकि इनके अंदर एक, इसके जो भी है ए से लेकर जी तक, इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का जो सब डिवीज़न है, जिसे अब के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं माना जाता, लेकिन वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त वो एप्लीकेबल था। वो कौन सा था? वीडियो के साथ साथ आपको पता चलेगा। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आर्टिकल 19 जो कि कहता है राइट टू फ्रीडम, हमें किस किस चीज़ की आज़ादी है। इसका पार्ट ये कहता है कि हमारे पास आज़ादी है हमें खुद को एक्सप्रेस करने की। आप अपने मन के विचार, आप किसी और पार्टी के हिसाब से क्या सोचते हैं या फिर उस पर्सन के लिए आपका क्या व्यूज़ है, क्या पार्ट्स पॉइंट्स है, आप अपना इजीली व्यक्त कर सकते हैं। आप आराम से बता सकते हैं। कोई भी मूवी अगर आई मार्केट के अंदर तो आपको वो मूवी अच्छी लगी कि नहीं लगी, वो आप फ्री हैं, आपके पास आज़ादी है। आप उस मूवी के बारे में रिव्यू दे सकते हैं सोशल मीडिया पे आकर, या फिर ऐसे पब्लिक में आकर बता सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर है या फिर किसी पार्टी ने कोई एक रूल बनाया, कोई बिल पास किया, कोई एक्ट लगाया, तो वो रूल के प्रति, उसके खिलाफ या फिर उसके लिए आप अपने अपने व्यूज़ को, अपने अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी आज़ादी इंडिया में ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर चाइना में रहते ना तो आपको ये आज़ादी नहीं मिलती। आपको कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो भी वहाँ के डेमोक्रेटिक जो भी चला रहा है, अगर उन्होंने कोई रूल बनाया तो आपको ब्लाइंडली उसे फॉलो करना है। आप अपने मन के अंदर सिर्फ बता सकते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन वही इंडिया के अंदर देखिए, छोटा सा भी कोई चेंज अगर हमारे लिए होता है ना तो उसके खिलाफ हम लोग बवाल खड़ा कर देते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? इस आर्टिकल की वजह से। और साथ ही साथ मीडिया को भी इतना ज़्यादा, जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसको इतना ज़्यादा जो फ्रीडम मिला है ना, जिसका जो कभी कभार मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव, मतलब डिसएडवांटेज उठा लेता है, वो भी इस आर्टिकल के बदौलत ही है। उनको इतनी ज़्यादा आज़ादी ये आर्टिकल 19 ही देता है। और साथ ही साथ आपके पास RTI है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए गलती से कभी किसी पुलिस वाले ने आपको उठा लिया, तो आपके पास आज़ादी है कि आप उस पुलिस वाले से सवाल कर सको कि किस बदौलत, किस बुनियाद पे, किस तहत आप हमको गिरफ्तार करें या फिर हमें उठा रहे, रिमांड में ले रहे। ठीक है, तो ये कौन देता है? सॉरी, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये हमारा आर्टिकल 19 ही बताता है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट इसका यही कहता है, समझ में आया होगा। फिर हमारे पास आता है इसका पार्ट टू, जो कि कहता है कि अगर आप चाहें तो आप विदाउट एनी आर्म्स, यानी कि बिना किसी हथियार के आप एक ग्रुप बना के चल रहे हैं या फिर गठन बना के चल रहे हैं, तो इसकी भी आज़ादी ये देता है। मतलब अगर आप चाहें तो आप अपना ग्रुप बनाइए जिसके अंदर आप अपने अपने आवाज़ को उठाइए। ठीक है, आप जो भी समस्याएं हो रही हैं लोगों की, उसको उठाइए, उसको टैकल कीजिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कब करनी है? जब आपके पास आर्म्स ना हो, हथियार ना हो, तो इसकी आज़ादी आपको मिलती है। लेकिन अगर आपके पास आर्म्स है और आप ग्रुप बना के घूम रहे हैं तो फिर वो डेंजरस होगा। फिर हमारे पास पार्ट सी कहता है इसका कि अगर आप चाहें तो आप को, अगर आपने जो भी अभी पार्टी बनाई उसको अगर बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपके पास ये आज़ादी है कि आप अपना खुद का एक पार्टी बना लें या फिर अपना खुद का एक एसोसिएशन बना लें, अपना यूनियन बना लें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लें, और उसके साथ आप उठें, लोगों की समस्याएं सुने या फिर जो भी आपकी आइडियोलॉजी होगी उस हिसाब से अपना काम करें। जिसकी आज़ादी कौन देता है? हमारा आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, फिर हमारा आर्टिकल 19 का जो पार्ट डी कहता है, वो कहता है कि अगर आप चाहें तो इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर आराम से जहाँ मन तहाँ वहाँ पर जाकर घूम सकते हैं। जैसे अगर मैं रहती हूँ कोलकाता के अंदर, तो मेरे को मन किया तो मैं जाकर साउथ इंडिया के तिरुवनंतपुरम में जाकर रह सकती हूँ, मैं बेंगलुरु में जाकर रह सकती हूँ, मैं चेन्नई के अंदर जाकर रह सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, वो भी फ्रीली। हमें देश के अंदर घूमने के लिए किसी भी टाइप का वीज़ा या फिर किसी भी टाइप का पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास आर्टिकल 19 का जो पार्ट ई है, वो कहता है कि अगर मैं घूमते घूमते बेंगलुरु पहुँची
ठीक है, मान लीजिए मैं रहती हूँ जम्मू कश्मीर, वहाँ से मैं घूमते घूमते बेंगलुरु पहुँची और मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के ट्रैफिक जो भी है, वहाँ का वातावरण और वहाँ का फैसिलिटीज़ वगैरह, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ का एडुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा कि अब तो मेरा जो फाइंडिंग प्रोसेस था, जिसके लिए मैं घर से निकली थी, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे को बेंगलुरु के अंदर रहना है, तो यहाँ पर मैं आके सेटल कर सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो अपना घर बना सकती हूँ, घर खरीद सकती हूँ वहाँ पर बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ बेंगलुरु के नहीं, देश के किसी भी कोने के अंदर आप जाके रह सकते हो, जाके सेटल हो सकते हो। ये भी कौन, आज इसके बारे में भी हमें आज़ादी कौन देता है, ये आर्टिकल 19 ही देता है। ठीक है, फिर हमारे पास है आर्टिकल 19 का पार्ट एफ, जो कि कहता है कि अगर मैं बेंगलुरु में जाके रही, सेटल होना, फिर वहाँ पे जाकर मेरा मन किया कि ठीक है सेटल हो गया, रेंट पे, मान लीजिए मैंने घर लेके रहा पहले, पीछे रहा, फिर रेंट रहने लगी, अब मेरा मन किया कि ये पर्टिकुलर एरिया बेंगलुरु के अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है, सब मेरा ऑफिस भी पास में है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं यहाँ पर एक फ्लैट लेना चाहती हूँ या फिर मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, तो ये भी आज़ादी हमें आर्टिकल 19 का एफ पोर्शन देता है ना, हमें कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर आया एक अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, याद कर लो कौन सा अमेंडमेंट आया हमारे पास, 44th अमेंडमेंट, जो कि कहता है, पहले होता क्या था कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि ये किसी पर्सन का एक घर है या फिर एक ज़मीन है, ठीक है, तो इस पर्सन की ज़मीन है और कहाँ पर है, तो इस जगह पर है। अब क्या हुआ, ये हमारी सरकार है, सरकार का मन किया कि चलो बनाते हैं हम एक यहाँ पर रोड, या फिर हम बनाते हैं यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाते हैं, लेकिन सरकार ने जब अपनी फैक्ट्री का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, तो फिर उन्हें पता चला कि ये जो पर्सन का जो घर था ना, उसका कुछ पोर्शन फैक्ट्री के लिए काम में आएगा, या फिर ये कह लो कि जहाँ पर फैक्ट्री बनाने वाली है हम लोग, वहाँ पर इस आदमी का पोर्शन, जो घर है, प्लॉट है, वो भी आ रहा है। तो फिर अब सरकार ने क्या किया कि इस आदमी को बोला कि देखो, या तो तुम अपने हमें ज़मीन दे दो ताकि हम इसको घर बना सकें या फिर फैक्ट्री बना सकें, जिससे होगा क्या कि इस गांव के या फिर इस क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट आएगी, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो कि फैक्ट है ना। तो फिर इस आदमी के पास पहले जो था वो हक था, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल है, आर्टिकल 19 है, कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो अपनी ज़मीन दूंगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, हुआ हमारे पास 44th अमेंडमेंट, उसके तहत अब इस आदमी के पास कोई भी हक नहीं है, अगर जब चाहें तब हमारी जो लॉ है ना, लॉ कौन, सुप्रीम कोर्ट, क्यों सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नेक्स्ट लास्ट वीडियो के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जिसके पास हम जा सकते हैं अगर कोई भी हमारी राइट्स के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ छिड़काड़ करता है, तो डायरेक्ट हमारे पीछे कौन खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। अब यहाँ पर हमारे से हमारा फंडामेंटल राइट मांगने कौन आ रही थी, सरकार आ रही थी, गवर्नमेंट आ रही थी, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा राइट है भाई कि हमें फ्रीडम मिला है, हमारी प्रॉपर्टी परचेस हमने की है, तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे बेच कैसे लें, फिर कोई हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है। तो इस पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट कहता है, यानी कि संशोधन कहते हैं, एक लॉ बनाया कि जब चाहे तब कानून आपकी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है या फिर ले सकता है, लेकिन उसके बदले वो आपको पैसा भी देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कंप्लीटली ले लेगा, ले लिया और पैसा भी नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, कानून कहते, तो कानून अगर आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है आपसे, तो वो जितना भी एरिया होगा आज के टाइम पे या फिर उस टाइम पे जिस टाइम पे खरीदा गया है, उस टाइम पे उसका कितना पैसा होगा, उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा और आपकी ज़मीन को ले ली जाएगी, ताकि सरकार अपना काम आसानी से कर सके, उस बीच में कोई आप उनके काम को इंटरफेयर ना करवा सके। तो पॉइंट समझ में आया, आया कि नहीं आया, कानून जो हमारा अब तक शुभचिंतक था, वो अपने इच्छानुसार, इच्छानुसार मतलब क्या, अपने ही, आप ही लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए चाहें तो आपकी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। और इसीलिए अब हमारे पास जो पार्ट एफ है कि आपकी प्रॉपर्टी परचेस वाली, तो आप जब भी खरीदना तो देख रहा कर खरीदना कि फ्यूचर के हिसाब से कि क्या यहाँ पर रोड बन सकता है, अगर रोड बनेगा तो क्या मेरा घर आएगा इसके अंदर, या फिर यहाँ से क्या मेट्रो पास होगी, क्योंकि अब देखो अगर मान लो आप शहर में रह रहे हो, आपके कहीं से मेट्रो पास हो रही है, उस बीच में आपका घर होगा ना, तो सरकार आपका घर तोड़ देगा, अगर वो इलीगल हो, लीगल हो, लेकिन वो तोड़ेगा, क्योंकि उसे मेट्रो पास करवाना है, वो एक आदमी को नहीं देखेगा, वो अपने पूरे देश को देखेगा, लेकिन हाँ वो बात अलग है, उसके बदले वो आपको पैसा देगा। ठीक, समझ में आया। फिर हमारे पास है आर्टिकल मतलब 19 का पार्ट जी, जो कि 7th पोर्शन है, वो कहता है कि अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए मैं गई बेंगलुरु के अंदर रहने के लिए, ठीक है, पिछली वाली कहानी के अनुसार वहाँ पे जाके मैं सेटल हो गई, फ्लैट ले लिया, ठीक है, अब मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे अपना कुछ
बिजनेस चलाते हैं या फिर वहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जम्मू कश्मीर की हूँ तो मेरे को वहाँ पे जॉब नहीं करने दिया जाएगा या फिर मेरे को अपना बिजनेस नहीं रन करने दिया जाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। मैं जब चाहूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे अपना बिजनेस चला सकती हूँ या फिर वहाँ पे मैं जॉब कर सकती हूँ। क्या पॉइंट क्लियर है? आर्टिकल 9 समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा समझ में आया ना आर्टिकल 19 क्या कहते हैं। आर्टिकल 19 को हम कहते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आया। आर्टिकल 20 हमारे पास, इसके भी तीन पार्ट्स है, ए बी सी। फर्स्ट पोर्शन कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्ट, यानी कि अगर आपने, सिंपल से एग्जांपल समझो, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, अपराध किया है, और उसका जो केस है वो पहुंचते पहुंचते 2-3 साल हो गए, मान लो किसी पर्सन ने, ये एक्स नाम का पर्सन है, इसने कुछ क्राइम कमिट किया है और क्राइम कि सजा सुनते सुनते, मतलब सरकार जो लॉ है उसके पास उसे पहुंचते पहुंचते 2 साल हो गए, ठीक है। अब उन 2 सालों के अंदर मान लीजिए इसने क्राइम किया, इसने मान लीजिए किसी का मर्डर किया है, ठीक है, मर्डर किया है, तो सपोज करते हैं एग्जांपल में कि पहले जब इसने क्राइम किया था, जैसे समझ लो, समझने के लिए, इस पर्सन ने 2018 के अंदर कुछ क्राइम किया, इसकी जो केस है, इसका जो केस है वो पहुंचते पहुंचते 2020 हो गया, ठीक है, 2 साल हो गए। जब 2018 में इसने मर्डर किया था तो उस वक्त किसी को मर्डर करने पे जो सज़ा होती थी वो कितने साल की होती थी? वो 10 साल की होती थी, ठीक है, 10 ईयर्स की सज़ा होती थी। लेकिन इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए या फिर कुछ चेंजेस आए, टाइम के साथ सब चीज़ों में चेंजेस आते हैं, तो अब 2020 के अंदर अब कोई पर्सन मर्डर करता है तो उसकी सजा उम्र कैद हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? उम्र कैद हो जाती है। अब इसका जो केस था एक्स बंदे का, वो 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर कोर्ट में पहुंचा, तो फिर अब उसको जो सजा होगी ना, ये उम्र कैद नहीं होगी। क्या होगी? उम्र कैद नहीं होगी। जिस साल पे उसने सजा किया था उस पे उस वक्त कौन सा कानून चल रहा था उसी के हिसाब से इस पर्सन को सजा होने वाली है, यानी कि अपराध जिस समय में हुआ है उस समय के हिसाब से ही आपको सजा मिलेगी। ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्ट कहता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 का पार्ट बी क्या कहता है? देखो, आर्टिकल ए, ये 20 का ये पोर्शन समझ में आया, 20 का बी कहता है कि डबल जियोपार्डी, यानी कि एक गुनाह की एक ही सजा होगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास लालू यादव है, ठीक है, क्या है, लालू यादव है, इन्होंने चारा घोटाले के तहत ये जेल में गए थे, ठीक है, बीच में जेल में गए थे, अब वो जेल से बाहर आ गए, ठीक है, अब ये जेल से बाहर आ चुके हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने जेल जब चले गए, जेल से बाहर भी आ गए, अपनी सज़ा वगैरह सब भी काट के वापस आ गए, तो फिर अब इनका जो केस है जो कि ख़त्म हो चुका है क्योंकि उन्हें सज़ा मिल गई है, तो अभी कोई दोबारा जब तक वो क्राइम, सेम क्राइम कमेंट ना कर दे या फिर सेम या फिर कोई और क्राइम ना कमेंट कर दे, तब तक वो केस वापस से सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। इन्होंने जब एक बार किसी क्राइम के लिए सज़ा काट ली है तो वही सेम क्राइम दोबारा से इनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, अनलेस एंड वो सेम क्राइम दोबारा ना कर देते। समझ में आया? यानी कि सिंपल से समझो कि एक क्राइम की एक ही सज़ा होती है, ठीक है, समझ में आया। अब इसका पार्ट सी क्या कहता है? पार्ट सी कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि जब भी आपने कोई सज़ा कमिट की है और उस वक्त वहाँ पर 2 लोग मौजूद थे, कौन? एक तो आप जिसने वो क्राइम किया है, दूसरा वो जिसके साथ वो क्राइम हुआ है, और बाय चांस किसी जो सेकंड पर्सन है जो क्राइम हुआ है वो मर गया, तो फिर आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आदमी खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है, और उसका कानून कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हो? आप भले सच बोल रहे हो, आपने नहीं किया हो, किसी और ने कहीं और से शूट आउट कर दिया, लेकिन कानून आपको कभी भी ये इजाज़त नहीं देगा कि आप खुद के खिलाफ गवाही दो या फिर खुद के लिए गवाही दो। हाँ, आप खुद के लिए वकील रख सकते हो, लेकिन आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? ए बी सी क्या कहते हैं 20 का, 19 आर्टिकल समझ में आया। अब मूव ऑन करते हैं 21 की तरफ, जो कि हमारे पास है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जिसका मतलब क्या हुआ? देखो, रिसेंटली एक केस हुआ था जिसके अंदर किसी को स्टार के ऊपर दूसरे को स्टार को सुसाइड करवाने के लिए प्रेरित करने की वजह से उस पर्सन ने जो भी एक एक्स जो को स्टार थी वो तो डेथ कर गई, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगा कि आपने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित करवाया वो जेल गए, वो कहाँ से आता है? वो आर्टिकल 21 से आता है। यानी कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है और पता चल रहा है कि सुसाइड करवाने के लिए उसे उकसाया इस पर्सन ने था, तो वो तो चला गया, लेकिन ये पर्सन जेल जाएगा। और वही कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है और सुसाइड करने के चक्कर में वो बच गया गलती से, माने जो छत पे से कूदा और हड्डी पड़ी टूट गई, तो भी उस सिचुएशन में उसको जेल होगी। क्यों? क्योंकि सरकार
कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपना जान खुद से लें। सरकार इन द सेंस जो कानून है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपना जानून अपना जान लें, या फिर अगर आपकी वजह से किसी और का जान खतरे में आ रहा है तो भी आपको जेल होगी। कैसे होगी? देखो, जब भी होता क्या है, आपने कई बार प्रचार देखे होंगे ना कि अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा लो, या फिर बाइक को थोड़ा सा सर्विसिंग में डाल लो, कार को सर्विसिंग में डाल लो। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी पुरानी गाड़ी उतना ज़्यादा उनमें से गंदा धुआं निकलेगा, जो कि पॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। और अगर आपके वजह से पॉल्यूशन, आपकी जो पॉल्यूशन जो भी गाड़ी फैला रही है उस वजह से दूसरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, यानी कि आप इनडायरेक्टली उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, है कि नहीं, तो इस सिचुएशन में भी आपको जेल होगी। इसलिए जुर्माना बढ़ते हैं ना कि जिसकी गाड़ी पुरानी होती है, लाइसेंस वगैरह चेक होता है, पता चलता है कि इसने तो बहुत सालों पहले अपना रिनोवेट करवाए थे, फिर सर्विसिंग के लिए डाला था, तो फिर उस वो लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, आपके चालान काटते हैं ना। तो ये इसके ही तहत होता है, 21st आर्टिकल की तरह ही होता है, 21st आर्टिकल की तरह, ठीक है। फिर आप कई बार देखे होंगे कि जब भी आप बिना हेलमेट के बाहर निकलते हो, गाड़ी चलाते हो, तो पुलिस आपको पकड़ती है। क्यों पकड़ती है? इसकी वजह से ही पकड़ती है, क्योंकि कोई भी कानून नहीं चाहता कि आप अपना जान खुद से लो, और आप हेलमेट ना पहनकर अपना ही जान रिस्क में डाल रहे हो। इस वजह से कानून के अंडर, ये लॉ है, ये एक आर्टिकल है कि अगर कोई बिना हेलमेट निकल रहा है, यानी कि वो अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दो। समझ में आ ही रहा होगा। फिर अगर आप बिना सीट बेल्ट पहने कार चला रहे हैं, यानी कि फिर से आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में भी आपके ऊपर जुर्माना लगता है। समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे क्यों लगते हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि हेलमेट नहीं पहनने से चालान कट रहा है हमारा, फिर सीट बेल्ट ना पहनने से कट रहा है पोल्यूशन, हमारी गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत भाई, हम जब मन तब अपना सर्विसिंग करवाएं, जब मन तब क्यों ऐसे ना। समझ में आ रहा होगा, मतलब क्यों ये सरकार ऐसे हमारे पीछे पड़ी होती है। ये आर्टिकल 21, यानी कि आप अपने जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, सिंपल सवाल। उसके बाद फिर हमारे पास है पर्सनल लाइबर्टी, जो कि कहते हैं कि किसी पर्सन को अपनी प्राइवेसी के अंदर किसी और को नहीं आने देना है। मतलब मेरे प्राइवेसी के अंदर कोई एक्स पर्सन अगर घुसने की कोशिश करेगा तो आई कैन टेक, मतलब मैं सीरियस एक्शन ले सकती हूँ। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ना कि हमारे पास खान सर है, ठीक है, तो खान सर का ओरिजिनल नाम, असली नाम क्या है, फुल नेम क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर, प्राइवेसी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनका नहीं मन भाई, वो नहीं बताना चाहते कि उनका फुल नेम क्या है, लेकिन फिर भी हमारी मीडिया, हमारे लोग, सब कोई बोलते हैं कि खान सर का पूरा नाम ये है, वो है, अलतो फालतू की बकवास है। अब उनको नहीं बताना, वो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल है। मैं अगर नहीं चाहूँ तो मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ, मैं चाहूँ तो बता सकती हूँ, लेकिन आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आपको बताना ही होगा, आपका नाम क्या है, आपका ये क्या है, आपका वो क्या, नहीं बता सकते। आप फोर्स करते रहो, हमारा मन, हम मौन भी रह सकते हैं। मौन रखने की भी आज़ादी हमें मिलती है आर्टिकल 19 के तहत थी। अगर मैं चाहूँ तो किसी बवाल के ऊपर साइलेंट रहने का डिसीजन ले सकती हूँ। समझ में आया? आप भी ले सकते हैं। फिर अगर कोई अकेले रहना चाहता है, फिर अकेले ट्रैवल करना चाहता है, कहीं भी कुछ भी अकेले, वो एकाग, मतलब होता है ना कि अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो वो कर सकता है। ये भी हमारे पर्सनल लाइबर्टी के अंदर ही आता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है जो कि एडल्ट्री है, कि मतलब इन पहले होता ये था कि एक दो कपल है, ठीक है, एक कपल है, दोनों एक कपल है, जिसके अंदर अगर देखा जा रहा है कि फीमेल जो है उन, वो अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व है, एडल्ट्री जिन कहते हैं, तो एडल्ट्री इन्फॉर्म है, मतलब इन्वॉल्व है। और मतलब पहले ऐसा था ना कि जब अगर फीमेल इन्वॉल्व है तो फिर जो मेल था वो डाइवोर्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकता था, लेकिन फिर हमारे अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद फिर पता चला कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही क्यों भाई, अगर मेन जो मेल है, पर्सन है जो मेल है, वो भी अगर इन्वॉल्व हो रहा है किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर, तो ये सिचुएशन, यानी कि जिस सिचुएशन में दोनों मेल फीमेल, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेल, या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल, कोई भी एडल्ट है एडल्ट्री के अंदर, कोई भी इन्वॉल्व है एडल्ट्री के अंदर, तो फिर इससे एक टाइप का बोलते हैं ना कि गवाह माना जाएगा, या फिर सबूत माना जाएगा कि डाइवोर्स अगर हो रहा है तो ये इसके लिए एक अच्छा, मतलब होता है ना कि जब भी डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो 6 महीने का समय दिया जाता है कि आप वेट कर लीजिए ये वो, लेकिन अगर कहीं पे भी दिख रहा है कि एडल्ट्री हो रही है, यानी कि दोनों में से एक या फिर दोनों के दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व है, तो इसे एक टाइप का रीज़न माना जाएगा कि इसी के कारण हमारे पास जो इनका जो डाइवोर्स हो रहा है वो हो रहा है। समझ में आया? ओके, अब 21 का जो 21 है ना आर्टिकल, उसका एक और पोर्शन है
एक जैसे होता है ना कि हम लोग किसी किसी आर्टिकल के आगे ए बी सी लिखते थे, वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब आर्टिकल बना था तो सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ था, लेकिन फिर बाद में घूमते फिरते आए कि इसको भी होना चाहिए, तो इसे कहाँ घुसा है कहाँ घुसा है, तो चलो इसका पार्ट बना देते, एक अलग से इसे पेपर में लिख के चिपका देते हैं। तो वैसे 21 एक आर्टिकल था पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर, उसके अंदर एक और पोर्शन चिपका दिया गया जो कि कहते हैं राइट टू एडुकेशन, यानी कि हमारे पास एडुकेशन का राइट है किसके तहत, हमारे आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन कितनी एज तक की एडुकेशन? तो 6 से लेकर 12 साल तक की पढ़ाई हमारे लिए अनिवार्य है, यानी कि हमारा हक है। कोई बच्चा जो कि 6 साल का है और 12 मतलब 6 से 12 साल के बीच में लाई करता है, तो वो उसके पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को राइट एडुकेशन दें, उसे स्कूल में जाने के प्रेरित करें, उसे पढ़ाएं, घर पे पढ़ाएं या फिर बाहर पढ़ाएं, स्कूल्स के अंदर एडमिशन करवाएं, दाखिला करवाएं, है ना। ये हमारा राइट है, या फिर ये कह लो उस बच्चे का राइट है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए ही वैलिड है। क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हुआ, अगर उसके बाद वो नहीं चाहता नहीं पढ़े, तो वो उसका डिसीजन है, लेकिन 12 साल तक उसके माता पिता का ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को पढ़ाएं। समझ में आया? फिर हमारे पास है आर्टिकल 23 और 24। बोलेगी 22 क्यों नहीं है, क्योंकि 22 थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सा एक आर्टिकल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं जो कि थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे डिफरेंट वे में समझाना, थोड़ा सा हटके समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले से समझते हैं। 23 कहते हैं, 23 कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, यानी कि अगर किसी के साथ एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, जैसे अगर किसी का, जैसे हमारे पास कई बार होता है ना कि चाइल्ड लेबरिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर देखते हैं, तो अगर वो हो रहा है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ठीक है, कहीं कहीं पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है, तो ये जो चीज़ें जो आती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर चाइल्ड लेबर, ये हमारे आर्टिकल 23 के अंदर आती है। अगर किसी ने देखा कि बच्चे की तस्करी हो रही है या फिर बच्चों से मजदूरी, बाल मजदूरी करवाई जा रही है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, और जो करवा रहा है या फिर जिसके पीछे ये सारा चीज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास है आर्टिकल 24 जो कि कहता है कि जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है, अगर उससे खतरनाक काम करवाया जा रहा है, खतरनाक काम माने उससे माइनिंग करवाया जा रहा है, ठीक है, उसको फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री में लगाया जा रहा है जहाँ पर खतरा है, रिस्क है, या फिर उसे टनल्स के अंदर भेज के काम करवाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन पे भी ये एक टाइप का गुनाह है। क्या है? गुनाह है। तो आर्टिकल 23 और 24 दोनों बच्चों के, मतलब बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एक कहता है कि अगर किसी बच्चे से मजदूरी करवाई जा रही है, फिर किसी ह्यूमन का ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और एक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। और फिर हमारे पास आर्टिकल 24 है कि जो कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अगर माइनिंग करवाई जा रही है या फिर ख़तरनाक काम करवाए जा रहे हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के ऊपर डायरेक्टली हावी होगा, जैसे अब झारखंड के बात कर लें, तो झारखंड वगैरह जो झारखंड स्टेट है ना, तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पर बच्चों से काम करवाए जाते हैं, वो भी पता है सिर्फ 18 रुपये प्रति घंटे देकर, वो बच्चे 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, और पता चला है कि प्रतिदिन 12 से 16 बच्चे मर रहे हैं इन सब चीज़ों के कारण, क्योंकि इन्फेक्शंस होते हैं लंग्स के अंदर, सांस लेने में वो अंदर जा रहे हैं, वहाँ से निकाल कर सामान बाहर लेकर आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई वगैरह छोड़ कर ये सब काम करें, क्यों? सिर्फ 18 रुपये प्रति घंटे कमाने के लिए। अगर जिस दिन सरकार जो है, जो लॉ है हमारा, जो कानून है, उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहा है, कई सारे फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया, जैसे त्रिपुरा जो हमारा साउथ इंडिया है, वहाँ पर एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर फायर करके बनता था, वहाँ पर बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चे इन्वॉल्व थे, फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, वो पूरी की पूरी फैक्ट्री शट डाउन कर दी गई। तो ये एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो बात अलग है कि हमारी मीडिया पे वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं दिया जा रही, हमें मीडिया पे दिखाई जा रहा है किसी चीज़ का बवाल, ये साधु लड़ रहे हैं, वो साधु लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, लेकिन दिखाना क्या चाहिए? ये बाल मजदूरी जो हो रही है, कौन कौन सी कंपनियाँ शट डाउन हो रही हैं इन सब के कारण, कई बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर आरोप लगा है ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड लेबर का, उन सब चीज़ों के, उन सब कंपनीज को दिखाना क्यों कर रहे हो भाई? इतने सारे लोग खाली बैठे हैं, तो आप बच्चों को, बच्चे को क्यों अडॉप्ट करते हैं, मतलब बच्चों को, बच्चों से क्यों काम करवाते हैं? क्योंकि वो लड़ेंगे नहीं, उनको जितना दोगे उतने में सह लेंगे, कम पैसा दोगे कम पैसे में काम कर लेंगे, ज़्यादा पैसा दोगे तो ज़्यादा तो कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी करवा जो रहे हो ना, ये सिर्फ पैसे की वजह से करवा रहे हैं, ये कम पैसे में हमारा ज़्यादा काम होगा, और बच्चों को तो मार पीट के कोई जितना भी घंटे मन उतना घंटे काम करवा देता है, बड़ों को मार के दिखाओ, है ना, बड़ों को 18 रुपये प्रति घंटे देकर दिखाओ, वहीं पे धरना पे बैठ जाएंगे, लेकिन बच्चे क्या करें, पढ़ाई वगैरह छोड़ के यही कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई दिखे, कोई छोटा सा बच्चा काम करता हुआ, तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप तो शिक्षित हैं ना, आप उनको बोलो ना पढ़ने के लिए, प्रेरित करो, तो उधर बैठ कर बात करो, खाना वाना खिला दो, थोड़ा सा ज्ञान बांट दो जो भी मिल रहा हो, या फिर जो भी आपके पास हो, थोड़ा सा प्रेरित करो, माइंड बस चेंज करने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे यूथ बदलेगा।
दूसरों की या फिर मीडिया के अंडर इन्फ्लुएंस होकर हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। हमें खुद से स्टैंड लेकर हमें खुद को बदलना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें आसपास जो भी दिख रहे हैं उनको भी बदलना आवश्यक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बात करेंगे आर्ट 22 के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको देश की जो मिलिट्री फोर्स है उन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे से पता चलने वाले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।